गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो और गाइस, तो बज चुका है सुबह का 9:30 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस, तो बहुत दिनों के बाद फिर से एक और न्यू ब्लॉग लेके आ चुका हूँ, जो कि मेन कंटेंट होता है जो वीडियो बनाने का, वो कंटेंट मतलब मिल ही नहीं रहा था। बट अभी जो भी हुआ है, अभी हम लोग आज मतलब कल रात को ही ऋषि कोला पे टूरिस्ट लेके आ चुके थे और अभी टूरिस्ट लेके हम लोग जाने वाले हैं आपको फतेमचिन के ओर। तो यहाँ से निकलते हैं मैक्सिमम 10:30 बजे करीब। और गाइस, तो जो भी मेरे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए बिल्कुल भी ना भूले। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट देते रहिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट के कारण से ही मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट होता है कि वीडियो बनाने के लिए। बट क्या करें, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, आप गाड़ी घोड़ा लाइन पे ऐसे ही है, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत सारा आप लोग से मतलब माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो चाहते हैं कि एनी टाइम वीडियो आते रहे और बार बार आते रहे। तो बट अभी टाइम नहीं मिलने का कारण से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। जो भी हो, आयो आप लोग को तो मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। तो गाइस, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं ऋषि कोला पे। गाइस, तो फाइनली अभी अपना लगेज वगैरह बांधना हो चुका है। ये अपना टूरिस्ट वगैरह जो देख सकते होंगे, हेलो बोल रहा है आप लोगों को। यार, इधर मेरा लाइसेंस वाला बहन है, जो कि उसको गाली देने के लिए लाइसेंस मिला है ममता बनर्जी के दीक्षित आगे में। मैंने SCM का GoPro लगा दिया और सारा का सारा लगेज जो है ना बांध के एकदम कम्प्लीट हो चुका है। और इधर हमारा प्रमोद भाई, लो जुम ना गाड़ी से उठो पड़ो, अरे अनेक देरी हो जाए को, देरी हो अच्छे मजा करो ना, देरी हो जाते। अरे हमारा भैया ठीक है ना, मजा आ रहा है, हाँ पूरा इंजॉय करने, हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस, तो वैसे अभी यहाँ से बहुत ही देरी हो चुका है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं जल्दी जल्दी और मिलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा लगा दो करते इसको। अच्छा, मुझे बहुत देरी कर दिया यार तुम लोगों ने, ठीक है लो लो, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना देरी करेगा। তাই জন্য আমি বলি না কাউকে, আর নিজে মন দিয়া করলে পরে ঠিক আছে, ওরা ভিডিওতে দেখবে। ঋষি নদী কি আমি শর্ট শর্ট সামলো কে নিকল রে, जो कि इधर में अंदर में भी कैमरा लगा हुआ है। और ये श्री बालाजी का गाड़ी सब पर रुका हुआ है। না ওখানে দাঁড়ায় আছে, সবজি নিয়ে আসছিল তো, হোমস্টে আছে ওখানে, মানে খাবার নিয়ে আসতে হয়। তো এখান শিলিগুড়ি থেকে ও ওই গাড়ি, ছোট গাড়িটা টুরিস্ট নিতে আসুন, ও ওইটা ওই গাড়িতে সবজি লোড আছে, ও তো কালকে থেকে দাঁড়ায় আছে। अपना दोस्त का गाड़ी जो है ना, उसका टायर खराब हो चुका है। सब सागर भैया बोल रहा है, क्या हुआ क्या, सुनो ये हमारा रीना पेट्रोल पंप, और आगे में देख सकते हो बोर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है, जगह डेस्टिनेशन क्या हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ। ओ जलर बोतल, तुम ये रकम सिग्नल दिला আমি বলা মত চাচ্ছে নাকি আমার চাচ্ছে নাকি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ভালো মত চাচ্ছে নাকি এখানে, আমি কি বলতে চাইছিলাম বলো তো, এখানে পাওয়া যাবে রংলি মার্কেটে নিব, মিস্টেক হয়ে গেছে। তো যা ভি হয় अभी टायर वगैरह बनाते हैं, वैसे तो बहुत देरी हो चुका है। बट अभी देखते हैं हमारे यहाँ प्रवीण भाई क्या कर रहा है, उसको मैंने कल ही बोला था कि साला यहाँ पर बना दो, बट अभी देखो ना हमारा भाई चिल्ला रहा है, बोला था मैंने कल ही टायर बना लो, बट इसने माना नहीं। तो अभी यहाँ देख सकते हैं बहुत ही देरी हो चुका है। ए क्या डाजो कोई नहीं खाते, सो टायर दियो भेनाली दुईटा रेसलिंग गर्नु टायर दिएको छ नि दुईटा, यो खत्म भएको, यो त ऊ कम्पनीबाट आएको टायर हो नि त, यो त रेसलिङ फस्केसिङ त हुन्छ नि त दाजु। अरे बाबा सिएट टायर कि केही छैन, यो त टेम्परेचर है यसको, सिएट टायर मात्र राख्दैन, डिस्कभरी गर्नु अब यहाँ भाउजूको दोकानमा के के छ के खानु पर्ने छ हौ।
भाउजू के छ यो चप तातो तातो छ हाँ भाउजू निकै दाँत देखाउँदैछ दाँत नदेखाउनु के उमाले भयो जस्तो यहाँ देख सकते हो गरम गरम आलु सब बन रहा है इसको टेस्ट करना है देख सकते हो रेडी भी है तेमा भैया का दुकान पे टायर वगैरह लगाते हैं दमदी मिलते थोड़ी देर बाद पहले खाते आलू चॉप और निकलते हैं यहाँ से बस तो पहुँच चुके हैं सिद्धिविनायक मंदिर जो कि यहाँ देख सकते होंगे नज़ारा वक्त में क्या ही बताए यार देख सकते होंगे समुद्र मंथन यहाँ शिव जी ने देश के कल्याण के लिए बीज भी पिया था देख सकते होंगे ये वाला सीन है बाबा का भक्त कौन कौन है हाथ उठाओ सब सब देखिएगा सब बाबा का भक्त बता रहा है अपने आप को हम लोग का भाई बादल बरसा बिजली सगन को पानी तो यहाँ हम लोग का सिद्धि विनायक मंदिर आ चुके हैं अब यहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ मैं जो कि यहाँ देख सकते होंगे वाकई में यूनिक है यार ये सारा नज़ारा आप लोग ने कभी देखा नहीं था होगा ये देख सकते होंगे शिव जी का विष पीता हुआ समुद्र मंथन का इसका गाना भी है नमो नमो शंकराम इसके पूरा डिटेल्स भी दिया गया है देख सकते होंगे भोलेनाथ का वाकई में इधर कुछ दिन पहले तो फूल खिला हुआ नहीं था बट अभी फूल बहुत ही अच्छी तरीके से खिला हुआ है देख सकते हैं ये हम लोग नेपाली में बोलते हैं घंटी फूल ये तो क्या जगह भूल गया मैं बट मेरे माँ ने मुझे बताया था क्या नाम है पर मैं भूल गया देख सकते होंगे यहाँ का नज़ारा देख सकते बाबा का भक्त सब बाबा से गली मिल के आ जाओ ना टाइम पास अच्छा हो रहा है बट अब यहाँ से रंगली मार्केट और फिर हम लोग निकलेंगे फदम चिन्ह के लिए যা একটু বাবার সাথে গোলা লাগিয়ে আসো গলে মিলে বাবা সে বাবা কাছে গলে মিলানে যাও না তুমি লোক কে কর রা বেট কে জলদি জলদি ঘুমো ঠিক আছে কাজ গ্যান্টক হে আমরা পরশি গ্যান্টক এস এস বাবা গো গলে মিল গে আজ না ঠিক না সব বাবা কা ভক্ত ইধর মে দেখ সকতে হোগে যাও যাও জলদি জলদি এ দেখ সকতে হো গাইস আই লাভ রিনক যে কি মে বি বি তো ফিলহাল रिनोक से बिलोंग कर रहा हूँ हम लोग का भैया देखिए क्या लगा रहा है ले हमारा ललित भाई भी जा रहा है अभी जलपचन की ओर तो ललित भाई अभी निकल चुका है हाँ देख सकते हो यहाँ कोटेशन क्या लिखा है वाकई में बबाल वाला कोटेशन है तो अभी यहाँ सब हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ थोड़ा रेस वगैरह करते हैं अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद गज तो फाइनली हम लोग लाडेन होम स्टे आ चुके हैं जो कि पदमचिन पे है और ये देख सकते होंगे गाड़ी का लगेज वगैरह तो सब मैंने उतार दिया है बट अभी टूरिस्ट वगैरह सब बाहर पे है देखिए वो दूसरा वाला गाड़ी भी लगेज उतर के बाहर में रखा हुआ है और कुछ इसको गाड़ी को करते हैं लॉक और अपना लॉकेज भी लेके रूम की ओर जाना है गाड़ी का हो गया लॉक बस मेरे यहाँ देख सकते हो बैग फ्लावर्स का तरह यहाँ पड़ा हुआ है ये लोग को रूम कहाँ दिया है पहले वो देखना पड़ गया हमारा जो जो तो पहले ही आ गया था यार हम लोग से पीछे था बट हम लोग से पहले आ गया हम लोग का बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया और रूम अभी तक नहीं दिया है नहीं दिया।
भेड़ बकरी का तरह बाहर में खड़ा है रूम कता कता छ आसेंग उसको टुरिस्टर को रूम गाइस तो हम लोग का आसेंग आ चुका है रूम दिखाने के लिए। अब उन लोग को रूम दिखाएगा, उन लोग भी खुशी है, डेस्टिनेशन भी पहुंच गया। अब उन लोग को भी भूख लगा होगा, खाना पीना खाएगा होगा, बट देख सकते होंगे। और फिर एल ई डी लाइट तो बबल लगाया है, बाला था बाला ना बीच को बीच को यो नहीं गया यार। अभी यहाँ देख सकते होंगे भेड़ बकरी क्या तरह क्यों से राहुल दा तुम लोग का खाना पीना खाना। ओ माय गॉड क्या लिया है यार, खुकुरी लिया है, देख सकते होंगे गाइस। अभी खुकुरी पी के ओल्ड मा खुकुरी है तो ओल्ड गोल्ड ओल्ड गोल्ड तरवाल तरवाल। मैं तो ड्रिंक करता भी नहीं मेरे भाई, देख सकते होंगे खुकुरी। ये नहीं पीने के नहीं पी के इसको निकाल के काटना है, हाँ लड़ाई करना है, वार पे जाना पड़ेगा। खुकुरी का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। हाँ अभी हाँ ठंड इन लोग को भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और इन लोग का रूम फाइनली अभी आ चुका है। भाई हमारा रूम कहाँ है, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। हाँ सब जाएगा, अभी रूम में जाओ ना सब गर्म हो जाएगा ना। ठंडा लगता है कि जो बोलते अच्छा ना, रूम में जाओ ना सब ठीक हो जाए। बस तो अपना लगेज वगैरह तो सब उतर दिया है, अब बस यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। सॉरी ये लोग लंच वगैरह करेगा होगा, हम लोग ने तो मार्केट पे ही लंच करके आया था। हमारा रूम कहाँ था आसेंग, रूम कहाँ था हमारा, यहाँ हमारा आसेंग सर ए ल। तो हम लोग को थोड़ा देर बाद रूम वगैरह दिखाएगा। तो पहले अब ये लोग को टूरिस्ट का मतलब झमेला खत्म करने के बाद हम लोग को रूम देगा। तो मिलते हैं आप लोग से कल वाले ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ब्लॉग में।